बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में हम थ्योरम करेंगे कि फाई कुलेयर इज इक्वल टू फाई एक्स कुलेयर इज इक्वल टू एक्स एंड ए के कुलेयर का कुलेयर इज इक्वल टू ए कुलेयर। ठीक है, पहले हम इसको प्रूव करेंगे, उसके बाद एग्जांपल करेंगे, ठीक है, जो इसके रिलेटेड होगी। तो इसका प्रूव है हमारे पास, प्रूव है बिकॉज फाई एक्स एंड ए कुलेयर आर क्लोज्ड, ठीक है, हेंस दे आर इक्वल टू देयर कुलेयर्स। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये है, सिंपल फाज में बात ये है कि फाई एक्स और ए कुलेयर हमारे पास क्लोज सेट्स होते हैं। ठीक है, तो उनका जो कुलेयर होगा वो हमारे पास उनके इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास क्लोज सेट्स होते हैं अगर हम उनका कुलेयर लें तो वो वही सेट दोबारा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल करेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि फाई कुलेयर फाई होता है, एक्स कुलेयर एक्स होता है और ए के कुलेयर का कुलेयर बराबर होता है ए के कुलेयर के। ठीक है, तो आप इसे ज़रा देखें, हमारे पास सेट ए है, सॉरी सेट एक्स है, ए बी सी डी ई, ठीक है, और उस पर टोपोलॉजी डिफाइन है टा फाई एक्स ए ए बी, ठीक है, ए सी डी ए बी सी डी और ए बी। ठीक है, ये हमारे पास स्टार है। ठीक है, इस ये हमारे पास टोपोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने हमें ये दिया गया है सेट बी। ठीक है, अब हमने ए का कुलेयर निकालना है, ठीक है, फाई का कुलेयर निकालना है और एक्स का कुलेयर निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास कुलेयर होता है वो क्लोज्ड सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन होता है। तो पहले हम क्लोज सेट्स निकाल लेते हैं। क्लोज सेट्स हम इस तरह निकालेंगे कि एक्स में से ये टा के अंदर जितने भी सेट्स हैं उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोज्ड आ जाएंगे। एक्स माइनस फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स में से एक्स निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाई, एक्स में से ए गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी डी ई। ठीक है, अब एक्स में से ए बी गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी ई। अब एक्स में से ए सी डी गया तो क्या आ जाएगा, बी ई। अब एक्स में से ए बी सी डी गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई। और एक्स में से ए बी ई गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सी डी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, क्लोज सेट्स आ गए। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं ए का कुलेयर। अब ए का कुलेयर किसके बराबर आएगा, बी के क्लोज सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन आएगा। तो वो हमारे पास सेट कौन से हैं, एक्स बी सी डी और बी ई। ठीक है, तो देखें ए का कुलेयर बराबर आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन और कौन सा क्लोज सुपर सेट इसका, ये है बी सी डी। ठीक है, इंटरसेक्शन और हमारे पास क्या है, बी। ठीक है, ये ए सेट्स के क्लोज सुपर सेट्स हैं, इनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का कुलेयर। अब हमने निकालना क्या था, ए के कुलेयर का कुलेयर। अब ए के कुलेयर का कुलेयर, ठीक है, अब हम देखेंगे कि बी ई के कौन से क्लोज सुपर सेट्स हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन से होंगे, एक्स बी सी डी और बी। ठीक है, तो उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, एक्स इंटरसेक्शन बी सी डी ई, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी ई। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ई। ठीक है, और ये बी ई किसके बराबर है, ए के कुलेयर के। ठीक है, तो हमने यही फाइंड करना था कि ए के कुलेयर का कुलेयर बराबर किसके होता है, ए के कुलेयर के। ठीक है, अब अगर हम x का कुलेयर निकालें, और ये भी निकालना था ना, x का कुलेयर निकालें, तो x का कौन सा क्लोज सुपर सेट है उसका इंटरसेक्शन लेना है, तो वो सिर्फ हमारे पास x है, तो उसका क्या आ जाएगा, x। ठीक है, इस तरह अगर हम फाई का कुलेयर लें तो फाई का कौन सा क्लोज सुपर सेट है, वो फाई है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने प्रूव किया कि ए के कुलेयर का कुलेयर ए के बराबर होता है, एक्स का कुलेयर एक्स के बराबर होता है, फाई का कुलेयर किसके बराबर होता है, फाई के। अब हमने प्रूव में लिखा क्या था, हमने लिखा था फाई एक्स एंड ए कुलेयर आर क्लोज सेट्स, हेंस दे आर इक्वल टू देयर कुलेयर्स। अब देखें,
ये फाई और एक्स हमारे पास क्लोज सेट्स हैं, ठीक है, एक कोलेयर हमारे पास क्लोज है। अब एक कोलेयर हमारा क्या आ रहा था, बी, तो बी हमारे पास क्या है, क्लोज है, ये देखें बी आ रहा है, ठीक है। इससे हमारे पास एक और रिजल्ट कंक्लूड होता है, वो ये है कि अगर हम क्लोज्ड सेट्स का कोलेयर लें तो वो इटसेल्फ उसी सेट के बराबर आता है, ठीक है। तो ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो इधर ही कंप्लीट हो रही है, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम होल्डर्स इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश कि अपने वालदैन की इज़्ज़त कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोज़ बआसानी पहुँच सकें। दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।